आज मैं आपको एक रियल स्टोरी के द्वारा बताने वाला हूँ कि कैसे एक प्रसिद्ध स्पिरिचुअल टीचर और नॉवेलिस्ट कॉनी मेंडर्स ने एक औरत को केवल एक महीने में $10,00,000 आकर्षित करने के लिए एक ऐसी प्रार्थना के बारे में बताया था जिसे अगर सही तरीके से किया जाए तो कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में ढेर सारे पैसों को आकर्षित कर सकता है और अपनी किसी भी इच्छा को मैनिफेस्ट कर सकता है। अच्छे से समझने के लिए पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना। पहले मैं आपको वो प्रार्थना बताऊंगा जिसकी मदद से उस औरत ने $10,00,000 आकर्षित किए थे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि उस औरत ने उन पैसों को आकर्षित करने के लिए अपनी जिंदगी में क्या बदलाव लाए थे। सन 1972 में कॉनी मेंडस वेनेजुएला में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान आध्यात्मिक तरीके से अपनी जिंदगी में प्रचुरता पैदा करने की शक्ति के बारे में बता रही थी। वहां मीडिया के कई लोग बैठे थे और कुछ ऑडियंस भी बैठी थी। कॉनी मेंडस ऑडियंस को समझा रही थी कि जो कुछ भी हम सोचते हैं वही होता है, क्योंकि ऐसा हमारा एटीट्यूड होता है जो उसे होने पर मजबूर करता है। अगर हम सोचेंगे कि हम स्वस्थ हैं, फिर चाहे हम कुछ भी करें हम स्वस्थ हो जाते हैं। और बिल्कुल यही पैसे, नौकरी, बिजनेस और हमारी जिंदगी की हर चीज पर काम करता है। और जो कुछ भी हम सोचते हैं वो हकीकत में जरूर बदलता है। कॉनी मेंडस के ये सभी शब्द ऑडियंस के आश्चर्य और घबराहट को बढ़ा रहे थे। उसी ऑडियंस में से कुछ लोग कॉनी की बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे और वे लोग इसका विरोध करने लगे। वे लोग कमेंट करने लगे कि उन्हें कॉनी की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है जो वो कह रही हैं, और वे प्रूफ करके दिखाएं कि सोचने से हकीकत में बदलने का क्या संबंध है। कॉनी ने कहा, आप सभी चिंता ना करें, मैं आपके डाउट्स को अच्छे से समझती हूँ। आपके दिमाग में ये सभी डाउट्स इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि अभी तक आपने अपनी किसी भी इच्छा को मैनिफेस्ट नहीं किया है और आपको नहीं पता है कि अपनी इच्छा को कैसे मैनिफेस्ट करना है। लेकिन मैं मीडिया के सामने ये वादा करती हूँ कि अगर आप इस टेक्निक को हर दिन प्रैक्टिस करेंगे जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, हर वो चीज जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं, आप उन सभी इच्छाओं को हासिल कर लेंगे। कॉनी ने जो कुछ भी कहा उस बात से वहाँ और भी ज्यादा हंगामा होने लगा। तब कॉनी ने फैसला किया कि अब तो उन सभी लोगों को साबित करके दिखाना ही होगा कि जो वे कह रही हैं वो बिल्कुल सच है। कॉनी ने ऑडियंस से कहा, मैं आप सभी लोगों में से केवल एक व्यक्ति की एक इच्छा आप सबके सामने पूरी करना चाहती हूँ। कॉनी की इस बात से वहाँ बैठे सभी लोगों की उम्मीदें जाग गई और ये वो जानने और जांचने की परीक्षा थी कि जो कॉनी कह रही है क्या वो सच है। उस वक्त कॉनी ने ऑडियंस के बीच से एक औरत को रैंडम तरीके से चुना। जब वो औरत स्टेज पर गई तब कॉनी ने उससे पूछा, क्या तुम अपनी कल्पना के मैनिफेस्टेशन की शक्ति पर यकीन रखती हो। इस पर उस औरत ने जवाब दिया, इस तरह के वाक्य पर विश्वास करना उनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल था और इस वक्त उनकी जिंदगी में ढेर सारी आर्थिक समस्याएं चल रही हैं क्योंकि उनका बेटा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है और इस वक्त उनके पास अपने बेटे का खर्च निकालने तक के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है। उस औरत ने कॉनी से कहा, वे उनके मेटाफिजिक्स की टीचिंग्स को ईमानदारी के साथ फॉलो करती हैं, लेकिन अभी कुछ समय से उनकी जिंदगी में आर्थिक समस्याएं आने की वजह से वे उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। वे उनके द्वारा बताई गई बातों पर डाउट करने लग गई थी क्योंकि जब वे उन बातों को अपनी जिंदगी में फॉलो कर रही थी तब उन्हें कुछ खास रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। लेकिन उनके दिमाग का एक हिस्सा उन्हें हार मानने से मना कर रहा था, इसीलिए आज वे इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने आई हैं। कॉनी ने उस औरत से कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रचुरता को मैनिफेस्ट करने में मदद करूंगी और तुम्हारी सभी आर्थिक समस्याएं हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। उस वक्त उस औरत की एक उम्मीद जाग उठी और वहां की ऑडियंस हक्का बक्का रह गई और इंतजार करने लगी कि आगे क्या होने वाला है। कॉनी ने उस औरत से कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे सामने और इस भरी ऑडियंस के सामने प्रतिज्ञा लो कि तुम वही करोगी जो मैं तुम्हें करने के लिए कहने वाली हूँ, भले ही तुम्हें शुरुआत में उस पर विश्वास ना हो। औरत ने उसी वक्त प्रतिज्ञा ली कि वो वही करेगी जो कॉनी उन्हें करने के लिए कहेगी। कॉनी ने कहा, तुम हर दिन इस प्रार्थना को रिपीट करोगी, शुरुआत में हर दिन में कई बार इसे बोलोगी और ये तुम्हें बहुत अजीब लगेगा क्योंकि शुरुआत में तुम्हें इस पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे तुम अपनी प्रतिज्ञा को मानकर इन प्रार्थनाओं को बार बार बोलती रहोगी, तब तुम्हें महसूस होने लगेगा कि ये सच है।
तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम उस पॉइंट पर पहुंच चुकी हो, क्योंकि तुम्हें आनंद की अनुभूति होगी और तुम बहुत उत्साहित महसूस करोगी। और उसी वक्त से जब तुम्हें ये सच लगने लग जाएगा, तब चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी और तुम्हारी आर्थिक समस्याएं तुम्हें समस्या लगनी बंद हो जाएगी, क्योंकि उसका समाधान इस तरीके से होगा और उस वक्त होगा जब तुम्हें उसकी कम से कम उम्मीद होगी। कॉनी ने कहा, इन प्रार्थनाओं को हमेशा याद रखना। आई एम द सोर्स ऑफ वेल्थ दैट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन माई इनर एंड आउटर सेल्फ। मैं धन का स्रोत हूँ जो मेरे आंतरिक और बाहरी रूप से व्यक्त होता है। आई एम द सोर्स दैट वाइब्रेट्स एंड अलाइंस विद एबंडेंस। मैं वो स्रोत हूँ जो प्रचुरता के साथ कंपन और संरेखित होता है। आई एम पार्ट ऑफ दिस एबंडेंट एंड प्रॉस्परस वर्ल्ड एंड फॉर दिस आई अलाउ माइसेल्फ टू बी ग्रेटफुल फॉर द ग्रेट वेल्थ दैट आई एम एंजॉइंग इन एबंडेंस टूडे। मैं इस प्रचुर और समृद्ध दुनिया का हिस्सा हूँ और इसके लिए मैं खुद को उस महान संपत्ति के लिए आभारी मानती हूँ जिसका आज मैं प्रचुर मात्रा में आनंद ले रही हूँ। जब उस औरत ने सभी प्रार्थनाओं को लिख लिया, तब कॉनी ने इसका रिजल्ट बताने के लिए उसे अगले महीने अपने कॉन्फ्रेंस में आने को कहा। ऑडियंस में बैठे सभी लोग अगले महीने होने वाले इवेंट का बेसब्री से इंतजार करने लगे। एक महीने के बाद सभी लोग उस औरत की आर्थिक समस्याओं के बारे में जानने के लिए कॉन्फ्रेंस में आए। उन ऑडियंस के बीच वही औरत बैठी मुस्कुरा रही थी। कॉनी ने कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में ही उस औरत को स्टेज पर बुलाया। जैसे ही वो औरत स्टेज पर आई, कॉनी ने उसे गले लगा लिया और रोने लगी, और वो औरत भी रो रही थी। कुछ समय के बाद वो औरत ऑडियंस की तरफ मुड़ी और खुशी के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगी, प्रार्थनाएं काम करती हैं, प्रार्थनाएं सच में काम करती हैं। उस औरत की उपलब्धि के बारे में सुनकर कॉनी बहुत खुश हुई और उससे कहा, तुम हमारी ऑडियंस को एकदम डिटेल में बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ और कैसे हुआ। औरत ने कहा, एक महीने पहले जब मैं आपके और इन सभी लोगों के सामने प्रतिज्ञा लेकर गई थी कि मैं उन प्रार्थनाओं को हर दिन प्रैक्टिस करूंगी, तब घर जाने के दौरान मेरे अंदर एक अच्छी पॉजिटिव फीलिंग आने लगी और मुझे महसूस होने लगा कि अब मेरे साथ कुछ तो अच्छा होगा। औरत ने कॉनी से कहा, आपने कहा था कि मुझे हर दिन में कई बार उन प्रार्थनाओं को बोलना है, तब मैंने शपथ ली कि मैं ऐसा ही करूंगी, और आप ठीक कह रही थी। कुछ ही दिनों के बाद मैं आभार महसूस करने लग गई थी और मुझे पता चल चुका था कि ये बदलाव मेरे हर दिन उन प्रार्थनाओं को प्रैक्टिस करने की वजह से है। मुझे पता चल चुका था कि कुछ बदलाव आ रहे हैं। मैं उस एनर्जी को महसूस कर पा रही थी और तब मेरे साथ कुछ बहुत ही आश्चर्यजनक हुआ। मेरे बेटे के कॉलेज में लकी ड्रॉ की टिकट्स बिक रही थी जिसमें अलग अलग इनाम थे। मेरे बेटे ने उस लकी ड्रॉ की टिकट लेने के लिए कई बार मुझे कहा था, लेकिन हर बार मैंने उसे ये कहकर मना कर दिया था कि हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते और हमारे पास एक भी टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं है। उस समय जब मैंने खुद को एबंडेंट महसूस करना शुरू कर दिया था, तब मेरे अंदर कहीं से आवाज आई जिसने मुझे कहा कि मुझे एक टिकट लेनी चाहिए। मुझे नहीं पता था कि वहाँ क्या इनाम निकलने वाले हैं, और बस इतना पता था कि मुझे एक टिकट लेना है। कुछ दिनों के बाद इनाम निकलने की डेट थी और भगवान का शुक्रिया है कि मैंने सही टाइम पर टिकट ले ली थी। उन इनामों में से एक ट्रिप थी, मोटरसाइकिल थी और इसी तरह के कई सारे इनाम थे, और एक ग्रैंड प्राइज भी था। जब ग्रैंड प्राइज की घोषणा हुई, मैं और मेरे बेटे ने टिकट चेक की, तब हमें यकीन ही नहीं हुआ कि हम उस लकी ड्रॉ का सबसे बड़ा इनाम $10,00,000 जीत चुके थे। और सबसे आश्चर्य की बात तो ये थी कि जिसके कारण मुझे आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा था, यानी कि वो यूनिवर्सिटी जहां मेरा बेटा पढ़ता था, उसी की वजह से मेरी सबसे बड़ी समस्या का समाधान हो चुका था। उस औरत ने कहा, मैं आपको बस एक महामंत्र देना चाहूंगी, कृपया करके अपनी प्रार्थनाओं पर विश्वास कीजिए। इससे पहले मैं कभी कभार अपनी प्रार्थना पढ़ लिया करती थी और सोचती थी कि मेरी सारी समस्याओं का समाधान हो रहा है, लेकिन मुझे उस पर विश्वास नहीं होता था। और अब जाकर मुझे समझ में आया कि प्रार्थनाएं सच में काम करती हैं अगर हम उन्हें हर दिन लगातार प्रैक्टिस करते हैं और दृढ़ विश्वास के साथ अपनी प्रार्थना पर यकीन करके कल्पना करते हैं।
हमेशा आभारी रहे। अगर आप अपने दिमाग में सही विचार और अच्छी भावनाएं लाते हैं, तब जिंदगी आपको वो सब कुछ देती है जो आप चाहते हैं और जिसकी आपको जरूरत है। इस कारनामे को सुनकर वहां बैठी ऑडियंस बहुत प्रभावित हुई और इसका असर ये हुआ कि इसे मीडिया में एक ऐसी महिला की कहानी के रूप में प्रकाशित किया गया जिसने एक महीने में $10,00,000 कमाए थे। हमारा जीवन एक पवित्र जादू है। अगर आपको विश्वास है कि जो आप चाहते हैं वो संभव है और आप आभार महसूस करने वाले व्यक्ति हैं, तब जो आप चाहते हैं वो होकर ही रहता है, भले ही इस वक्त आपको वो कितना ही असंभव क्यों ना लग रहा हो। अगर यहाँ तक आपने इस वीडियो को देखा है तो कमेंट में अपनी इच्छा के बारे में लिखें। थैंक यू यूनिवर्स, आई बिलीव इन अर्निंग 10,00,000 रुपीज पर मंथ। धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं हर महीने 10,00,000 रुपए कमाने पर विश्वास करता हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।